हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कटिया कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशनल इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। तो ये अपना इसका फर्स्ट ऑफ पेज है। जो पेज स्टार्ट करते ही आता है अपने पास असेंबली का विंडो। तो इस असेंबली विंडो में हमें पहले क्या करना है, कट करना है। अब स्टार्ट पे क्लिक एंड मैकेनिकल डिज़ाइन। मैकेनिकल डिज़ाइन में अपने पार्ट डिज़ाइन, असेंबल डिज़ाइन, स्केचर, ये सब है जो जो अपने को जरूरत पड़ेगी। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अपने को पार्ट डिज़ाइन करना, तो पार्ट डिज़ाइन पे, तो हमने मैकेनिकल डिज़ाइन एंड पार्ट डिज़ाइन पे क्लिक किया। ठीक है, तो अब अपने को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सारी कमांड्स पता होना चाहिए, किस कमांड का क्या यूज़ है। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्केच बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्केच बनाने के लिए पहले हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, या एक्स वाई जेड वाई जेड और जेड एक्सिस इधर लिखा था। तो हम एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, वाई जेड को, वाई जेड में स्केच, ये कमांड कौन सी है, स्केच। तो स्केच पे क्लिक करो। ठीक है, स्केच पे क्लिक किया तो अपने पास कंस्ट्रेंट आया। कंस्ट्रेंट मतलब जो डायमेंशंस वगैरह डालते हैं वो, इधर आया प्रोफाइल। ठीक है, ये अपना एग्जिट का ऑप्शन है, इसे हम स्केच बना के एग्जिट होते हैं वापस। ठीक है, उससे पहले वाले पार्ट में डिज़ाइन के अंदर जाएंगे वापस। ठीक है, और ये अपने पास है शिफ्ट के साथ, इसको ऐसे रोटेट। ये सब ऑपरेशन है, जिसमें क्रिएट हो गया, चेम्फर हो गया, ट्रिम हो गया, मिरर हो गया, प्रोजेक्शन भी होगा। ये अपना है फिट एंड ऑल, नॉर्मल व्यू, ये फिट एंड ऑल। ठीक है, ये आइसोमेट्रिक व्यू, इधर हम शेड विद एजेज, ये अपने आप हाइट गया है, ये शो का ऑप्शन है। ठीक है, इधर से हम जो भी डायमेंशंस वगैरह मेजर करने के लिए यूज में करते हैं। तो पहले हम स्केच, एक प्रोफाइल है वो क्रिएट करेंगे, हम यूज करते हैं प्रोफाइल। इधर से एक हमने बना, ये अपनी स्ट्रेट लाइन होगी तो ये क्या दिखेगी, ग्रीन लाइन में दिखेगी, ये सॉरी ब्लू लाइन में दिखेगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट करेंगे पूरा। तो इसको कंस्ट्रेंट करेंगे तो ये क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। तो पहले हम इसको सेंटर लाइन से कंस्ट्रेंट कर दो, फिर इन दोनों को क्या करना है, सिमेट्रिक करना है। इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या कमांड अपनी ओन रहेगी, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। दोनों को क्या है, वैल्यू डाल दो। ठीक है, इसकी हाइट की वैल्यू डाल दो, मान लो हाइट की हम लगी है 60। ठीक है, लिए 150। अभी ये दोनों लाइन ग्रीन क्यों नहीं आ रही, आपने सोचा डायमेंशन सब दे दी, क्योंकि ये अभी भी क्या वर्टिकली कंस्ट्रेंट नहीं है। तो उसको राइट क्लिक करके अलाउ सिमेट्रिकल लाइन करके वर्टिकल एक्सिस बराबर कर दो। अभी क्या है, सेंटर से सेंटर पे है, इधर से भी ये सेंटर पे आएगा, इधर से भी ये सेंटर पे आएगा। ठीक है, 75 75 पे। अगर अपना डबल डायमेंशन डालते हैं तो क्या है, इसका कलर क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पता चल जाएगा कि हाँ ये डबल डायमेंशन आ रही है। ओके, ये हमने एक बना लिया बॉक्स। ठीक है, अब इसमें हम एग्जिट, ठीक है, एक इमेज पे क्लिक करेंगे। अब हमारा स्केच बेस्ड फीचर है, इस कमांड का यूज़ होगा। तो इसमें अपने पास क्या है, पेड है, तो इसमें हम पेड का भी यूज़ कर सकते हैं। कितना डायमेंशन डालना है, 30 जितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इधर अपन मिरर भी कर सकते हैं, मिरर का ऑप्शन है, थिकनेस भी कर सकते हैं इसके अंदर। और ओके, पहले इसका प्रीव्यू देख लो, प्रीव्यू है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इसे रोटेट करने के लिए हम मिडिल माउस का मिडिल पॉइंट एंड राइट क्लिक। ठीक है, मिडिल पॉइंट एंड राइट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और इसको रोटेट कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को जूम इन और ट्री को हिलाने के लिए सिर्फ इसको करेंगे। ट्री की साइड छोटी या बड़ी करने के लिए
कंट्रोल और मिड पॉइंट स्क्रॉल करेंगे इसको तो छोटा बड़ा हो जाएगा। F3 दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा, F3 से वापस शो हो जाएगा। इसको हम यहाँ ओके कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को ऐसे जूम इन और जूम आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्रॉल बटन और एक राइट क्लिक, क्या करना है, स्क्रॉल बटन इन, एक राइट क्लिक, जूम इन, जूम आउट। रोटेट करने के लिए स्क्रॉल इन राइट क्लिक प्रेस करके रखो और ये होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि अपना हो गया ऑब्जेक्ट ये बॉक्स, जिसको हमने क्या कर दिया, पेड कर दिया, इसको पेड बोलते हैं, कितने का भी पेड डाल सकते हैं। अभी ये पॉकेट, तो आपको पॉकेट का मतलब समझाता हूँ। तो पहले कौन सा भी एक पेज सिलेक्ट करना, मतलब कि अपना पेज सिलेक्ट किया और स्केच पे क्लिक किया, ठीक है, अपने उसके ऊपर होल चाहिए। ठीक है, तो ये अपन सर्कल कमांड है, इसके अंदर अपने पास कौन कौन से सर्कल है वो चेक कर लेते हैं। इसके अपने पास क्या, इसके ऊपर तो अपने पास आता है एक सर्कल, जैसे कि ये सर्कल हमने इस पर बना लिया। ठीक है, इधर से हम डायमेंशन डाल देंगे, जितने भी अपने को सर्कल चाहिए, मान लो कि डबल क्लिक करेंगे आएगा 25, तो 25 इसमें डायमेंशन डाल दें। ठीक है, तो होंगे आप कितना, एग्जिट एग्जिट होंगे, फिर ये प्रॉफिट प्रॉफिट। अब अपने को कितने का सर्कल चाहिए, अपन को अप टू नेक्स्ट चाहिए, मतलब इस पॉइंट तक, या अप टू लास्ट, लास्ट मतलब कि आगे भी अपन प्लेन होगा तो लास्ट तक के लिए रहेगा। डायमेंशन डालना है तो कितना डायमेंशन डालना है वो क्लिक करो। ठीक है, सेंटर किसके अंदर से लेना है तो अपन क्या करेंगे, हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, इधर डालेंगे सेकेंड डायमेंशन, इसके ऊपर भी सेकेंड डायमेंशन जाएगी। अगर ये डायमेंशन तो माइनस के अंदर हो तो ये क्या अंदर की तरफ हो जाएगा अपने पास में। तो ये अपना क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने क्या सीखा, पेड एंड पॉकेट। अगला नेक्स्ट क्लास के अंदर।